तो कैसे हो भाई आप? सभी लोग, उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से स्टार्ट हो रहा है भाई हमारा जैकपॉट टूर्नामेंट, ठीक है, जिसमें भाई आपको गारंटी के साथ विनिंग करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है एक एक प्लेयर के बारे में। जो डोमेस्टिक लेवल के मैचेज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो बैटिंग ऑर्डर होता है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, जो मेन बॉलर्स होते हैं उन्हें बॉलिंग नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर भाई जो खेल को समझेगा ना वही विन करेगा, और यहाँ पर विनिंग के चांसेज आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अगर कंपेयर करोगे किसी क्लब T20 से या डोमेस्टिक मैच से। तो अब इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मतलब मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि नॉलेज इस मैच की इतनी, इस मैच के रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन वीडियो को जो कंप्लीट देखेगा ना वो 100% विनिंग में रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और लाइक करके स्टार्ट कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए भाई बात करते हैं इस मैच के बारे में। और यहाँ पर भाई काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल मैच है बोलने को, बट यहाँ पर फिर भी आपके लिए काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन आपको 30% के आसपास मिलेगा, और वो आपके लिए बहुत बड़े ट्रंप कार्ड साबित होंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एशिया कप के पहले मैच की प्रिडिक्शन वीडियो। तो मैच खेला जाएगा भाई आज शाम को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 7:30 पर। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है, ठीक है। यहाँ पर जो पिच है ना वो भाई जनरली बैटिंग को फेवर करती है, आईपीएल में भी आपने देखा होगा उससे पहले भी भाई काफ़ी सारे यहाँ पर टूर्नामेंट होते रहते हैं। अभी जो रिसेंटली क्लब T20 मैचेस चल रहे थे उसमें भी भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। लेकिन जो आज मतलब अब मैं मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ, और कल जो शाम को इंटरव्यू आउट हुआ था ना, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें शादाब खान आए थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि विकेट है ना वो थोड़ा स्लो लग रहा है, और यहाँ पर है ना अगर ड्यू नहीं आया ना तो पेसर्स के बजाय स्पिनर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और अगर स्पिनर इंपॉर्टेंट होते हैं ना तो भाई इस टीम में दो दो अच्छे स्पिनर है, एक तो वानिंदु असरंगा, दूसरा अफगानिस्तान के राशिद खान, ये दो तो ऐसे जो काफ़ी खतरनाक है। इनके अलावा भाई काफी सारे स्पिनर यहां पर आपके लिए होने वाले हैं, तो मैच काफी खतरनाक बनेगा ये, और एक तरफा विनिंग आपका भाई आपको करवाएगा। बस आपको जो जो बातें बता रहा हूं ना वो ध्यान से देख लेनी है। तो पिच की बात यहां पर कर लिया, एवरेज स्कोर भाई 167-180 के बीच में रहना चाहिए। वहीं अगर बात करें भाई वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो टोटल जो 76 मैचेस खेले गए हैं इनमें से भाई 36 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और 39 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। और भाई देखिए जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी ना वो टॉस के बाद हमें पता लगेगी, और वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी भाई मैंने जो मेंस 100 के मैच के रिजल्ट्स वो यहाँ पर शेयर नहीं किए, क्योंकि मैं इस वीडियो को मतलब इस मैच के लिए स्टेट्स वगैरह निकाल रहा था। और यहाँ पर जो वुमेन्स का मैच था एक तरफा विनिंग आपके भाई ने यहाँ पर करवाई है, जाकर रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर कोई भी मैच की फाइनल टीम होती है ना वही भाई हमारी फाइनल टीम होती है। अभी हम जो भी बात करेंगे एक डेमो टीम के बतौर बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करें अगर एवरेज स्कोर की तो वो तो बात हो ही चुकी है, वेन्यू की बात हम कर चुके हैं, स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं। 150 से नीचे का स्कोर 42 बार बना है, ये भाई पहले के रिकॉर्ड से, ठीक है। इसके अलावा भाई बात करें अगर 150 से 170 के बीच के स्कोर की तो 19 बार आपको यह स्कोर बनता दिखा है। बिटवीन 170 से 190 की बात करें तो भाई 9 बार आपको बनता दिखा है, 190 प्लस का स्कोर भाई आपको 6 बार बनता दिखा है। वहीं अगर बात करें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। तो अभी की अभी जाइए, पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बाद में वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना इंपॉर्टेंट मतलब वीडियो को देखना जितना इंपॉर्टेंट है, सेम भाई इसके इक्वली आपके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई बात करते हैं अफगानिस्तान टीम के प्रीव्यू की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई काफ़ी खतरनाक टीम है। और एक बात बता दूँ, अफगानिस्तान की टीम भाई इस बार मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई टॉप 4 में जगह बनाएगी, ठीक है। या तो श्रीलंका बाहर जाएगी इनके ग्रुप से या बांग्लादेश बाहर जाएगी, बट अफगानिस्तान जरूर आएगी। जैसा मतलब ये टीम खेल रही है ना पिछले कुछ सालों से, तो भाई मेरे हिसाब से तो इनका आना बनता है यहाँ पर। अगर बात करें भाई
इनकी टीम की तो भाई काफ़ी अच्छी टीम है इस फॉर्मेट की, क्योंकि इनके पास स्टार्टिंग से जो ओपनर आते हैं ना वो हिटिंग करने लगते हैं और उसके बाद हिटिंग करते रहते। और यहाँ पर अगर बात करें तो बैटिंग काफ़ी ख़तरनाक है, यहाँ पर राशिद खान भी आपको पता कितनी ख़तरनाक बैटिंग कर लेता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है ये। और भाई यहाँ पर देखिए जो अफगानिस्तान की टीम है ना इस मैच में जीतने के लिए मेरे हिसाब से फेवरेट रहेगी अगर कंपेयर करोगे श्रीलंका से। अगर बात करें भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 अफगानिस्तान की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हजरतुल्ला जजाई आपको खेलते दिखेंगे, 28 मैच में 867 रन है, 33 का एवरेज है, खतरनाक बैट्समैन है। और अगर ये चल गया ना तो भाई ये चलता ही जाएगा, ये बात मान लीजिए। रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें विकेट कीपिंग का बैकअप देंगे, 27 मैच में 676 रन है, मेरे हिसाब से दोनों प्लेयर आपके लिए मस्टर पिक रहेंगे स्मॉलिंग में। इब्राहिम जादरान की बात करें तो इनका फॉर्म थोड़ा यहाँ पर खराब है, और एक बात बता दूं अगर ऊपर से पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो यहाँ पर भाई इब्राहिम जादरान को नीचे भी डिमोट किया जा सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा, नजीबुल्ला जादरान को या फिर भाई मोहम्मद नबी खुद अपने आप को प्रमोट कर लेंगे ऊपर ताकि हिटिंग कर सके। उस कंडीशन में भाई उस्मान गानी और इब्राहिम जादरान थोड़े नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज पिक बन जाता है इब्राहिम जादरान। बाकी अगर बात करें यहाँ पर उस्मान गानी की तो सेम सिचुएशन उस्मान गानी के साथ रहेगी, बट इब्राहिम जादरान से ज़्यादा कंसिस्ट बैट्समैन है तो थोड़ा सा भरोसा अगर आप दिखाना चाहो तो उस्मान गानी आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है। वहीं अगर बात करें नजीबुल्ला जादरान मेरे हिसाब से मास्टर पिक रहेगा, नंबर 4 पर मेरे हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए, बट अभी जो बैटिंग ऑर्डर शेयर हुआ है टीम का वो भाई हुआ है नंबर 5 के हिसाब से नजीबुल्ला जादरान का। अगर भाई यहां से नजीबुल्ला जादरान 5 पर खेलेंगे तो एवरेज पिक हो जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी कितनी बैटिंग आएगी ये बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर बैटिंग आती भी है तो 20-25 बॉल में क्या ही कर लेंगे। और मतलब करने को तो भाई बंदा टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकता है, 25 बॉल पर 70 रन भी बना सकता है, बट मतलब ये काफ़ी कम बार होगा। अगर 10 बार मान लो इन्हें 25 बॉल मिलती है तो भाई ये 10 बार में से सिर्फ एक या दो बार ही मतलब 50 रन 60 रन बना पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज विकेट भी फेंकेंगे अगर लगातार हिटिंग करेंगे तो। वहीं अगर बात करें मोहम्मद नबी की तो भाई मस्ट पिक रहेगा, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इवन कैप्टनसी वीसी का भी ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अजमुद्दौला उमर जई की बात करें तो जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा, 10 मैच में 72 रन है, 6 विकेट है, ठीक ठाक सा प्लेयर है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा खराब भी नहीं है, बट एक एवरेज पिक रहेगा, बेस्ट पिक नहीं रहेगा तो जीएल में ज्यादा अच्छा रहेगा। राशिद खान मास्टर पिक, इवन भाई कैप्टनसी का एक और ऑप्शन आपके लिए, बेहतरीन प्लेयर है और भाई स्पिन गेंदबाजी करेगा प्लस बैटिंग का बैकअप इसका हमेशा रहेगा। अभी आयरलैंड के अगेंस्ट में सीरीज थी उसमें भी आपने देखा होगा लास्ट मैच में कितना खतरनाक मारा था इन्होंने, और ये भाई बैटिंग करता है, आईपीएल में भी आपने देखा होगा। मुजीबुर रहमान की बात करें तो आप देख सकते हो 28 मैच में 38 विकेट है, बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन अभी है ना इनकी मिस्ट्री थोड़ी सी सोल्व हो चुकी है। टीम क्या करती है भाई, इनको जो ओपोनेंट की टीम ओपोनेंट्स टीम होती है वो क्या करती है, इनको भाई इकोनॉमिकली खेल के निकाल देती है, इनको विकेट नहीं देती, लेकिन फिर भी भाई कभी कभी गुच्छों में विकेट निकाल लेते हैं, तो एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। वहीं अगर बात करें देखिए अगर यहाँ पर भाई अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करेगी तो फैजल अक फारूकी और नवीन उलक दोनों आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, अगर अफगानिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी तो भाई आपके लिए दोनों में से किसी एक को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बट अगर पहले बॉलिंग करेगी तो दोनों के दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ से अगर बात करें अफगानिस्तान की तरफ से कौन से 4 से 5 प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ से भाई अगर बात करें मेरे हिसाब से हजरतुल्ला जजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, इसके अलावा नजीबुल्ला जादरान नंबर 4 पर खेलेगा तो मस्ट पिक, अदरवाइज उस्मान गानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। नीचे मोहम्मद नबी इंपॉर्टेंट रहेगा, राशिद खान इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर भाई यहाँ पर पहले बॉलिंग आती है तो ये दोनों नवीन उलक और यहाँ से फैजल अक फारूकी दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगर बात करें श्रीलंका टीम के प्रीव्यू की तो भाई यहाँ पर ये थोड़े से इनकन्सिस्टेंस है, कभी कभी तो भाई बड़ी से बड़ी टीम को हरा देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे जिम्बाब्वे की टीम हो गई, मतलब काफ़ी जैसे इनसे कमज़ोर टीम जो मानी जाती है, अब बांग्लादेश की टीम हो गई, जिम्बाब्वे की टीम हो गई, आयरलैंड की टीम हो गई, इनसे भी भाई काफ़ी बार ये हार जाते हैं, तो ये इनके साथ थोड़ी दिक्कत है, बट पहले जितनी स्ट्रॉन्ग टीम आपको नहीं दिखेगी श्रीलंका की। अब अगर बात करें भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तो यहाँ पर भाई बात करें तो डी गुना थिलका आपको दिखेंगे ओपनिंग करते हुए, प्लस यहाँ पर कुछ इनके ओवर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एक या दो ओवर करके दे सकता है, पार्ट टाइम स्पिनर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। 36 मैच में 633 रन है, ज़्यादा मतलब
मारदाड़ वाला बल्लेबाज नहीं है लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम भाई पथुम निशांका लगातार अच्छी फॉर्म में, वनडे और टी20 दोनों में भाई कैर डाल रखा है पथुम निशांका ने, आपके लिए मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा। इवन ग्रैंड लीग में कैप्टनसी का भी ऑप्शन रहेगा। चरित हसालंका कभी कभी भाई फ्लोप हो जाता है लेकिन जिस दिन खेलता काफ़ी इंपैक्टफुल नॉक खेलता और लंबी पारियाँ खेलने के लिए जाना जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। नीचे अगर बात करें कुशल मेंडिस बैटिंग थोड़ी सी नीचे है तो इस कंडीशन में भाई थोड़ा सा एवरेज पिक रहेगा, बट अगर फिर भी आप चाहो तो इन तीनों में से, इन चारों में से किन्हीं तीन को या किन्हीं दो को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भानुकर राजबक्सा हिट एंड मिस टाइप बल्लेबाज है, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, एक आप जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में आपके लिए काफी रिस्की पिक रहेगा। इसके अलावा दसुन सनाका ही बात करें मस्ट पिक रहेगा, अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो हमेशा आके पारी को संभालता है। दूसरी बात भाई बॉलिंग में आपको एक दो विकेट लेकर दे देगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 30-35 पॉइंट आराम से आपको दे सकता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। वानिंदो असरंगा मस्ट पिक, इवन कैप्टनसी वीसी का दावेदार रहेगा। और यहां पर अगर बात करें इन सारे प्लेयर्स के स्टैट्स की तो स्टैट्स मैं आपको बताता चलता हूं। चरित हसालंका 17 मैच में 418 रन, 27 का एवरेज है। इसके अलावा भाई के मेंडिस की बात करें तो 32 मैच में 638 रन, 20 का एवरेज है। भानुका राजपक्सा 18 मैच में 320 रन, 26 का एवरेज है। वहीं अगर बात करें यहां पर दशुन सनाका की तो 60 मैच में 947 रन प्लस 18 विकेट भी निकाले, 20 के एवरेज है इनका। वहीं अगर बात करें भाई वानिंदो असरंगा की तो आपके लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा, इवन कैप्टनसी वीसी भी रख सकते हो। यहां पर भाई 35 मैच में 57 विकेट इन्होंने निकाले। सी करुणारत्ने की बात करें तो 22 मैच में 11 विकेट है। और इनकी एक बात बता दूं, ग्रैंड लीग के लिए भाई बहुत बड़ा ट्रंप प्लेयर रहेगा, और अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करवाते तो कभी कभी कुछ केसेस में ये आके डेथ में गेंदबाजी है तो आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही अगर इसकी बैटिंग आती है तो बैटिंग से 25-30 रन की उम्मीद आप इससे कभी भी कर सकते हो, हमेशा करके देता है और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। मेरे हिसाब से एक ट्रंप कार्ड भी अगर आप ढूंढ रहे हो ना तो ये भाई आपके लिए रहेगा। वहीं अगर बात करें जेफ्रे वांडर से, अगर ये खेलते हैं तो ठीक ठाक पिक रहेंगे। मैं इनको अपनी टीम में क्यों अभी प्रीफर करके चल रहा हूं कि यहां पर भाई ज्यादा चांसेज है कि आपको ये खेलते दिखेंगे अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुई तो। इसके अलावा जो मिथिसा पाथिराना है मस्ट पिक रहेगा, मेरे हिसाब से भाई अभी आईपीएल के एक दो मैचेस खेले थे इन्होंने और भाई इंपैक्टफुल प्लेयर लग रहे थे, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा, दो मैच में दो विकेट निकाले थे आईपीएल में। वहीं अगर बात करें महेश थिक्सना पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ट्राई कर सकते हो। 18 मैच में 16 विकेट निकाल चुका है, ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है, अब इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलते स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस में और स्टार्टिंग के एक दो टूर्नामेंट में जो इनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वहां पर इन्होंने कैड आया था, लेकिन उसके बाद भाई अब काफी यहां पर इन्हें इकोनॉमिकल तरीके से कर खेल लेते हैं जो ओपोनेंट टीम होती है तो भाई ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब अगर भाई यहां से बात करें डेमो टीम की तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर अगर बात करें भाई डेमो टीम की तो डेमो टीम में अभी आपको बना के दिखा देता हूं, तो यहां से भाई अभी हम चलते हैं डेमो टीम की तरफ, तो थोड़ा सा हमें नीचे चलना पड़ेगा यहां पर, और यहाँ पर भाई अभी मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अभी के लिए भाई यहाँ से मैं रेमनोला गुरबाज को लेके जा रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो कुशल मेंडिस भी आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अभी मैं ट्राई नहीं कर रहा। भानुका राजपक्सा का सलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, अगर भाई देखिए अगर ये बैटिंग में फर्स्ट डाउन मेंशन नहीं होता है तो भाई 100% ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज ट्राई करेंगे। नजीबुल्ला जादरान को ट्राई करेंगे, इसके अलावा हजरतुल्ला जजाई को अपनी टीम में रखेंगे, पथुम निशांका को अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर आप चाहो तो सी असालंका को ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे, वानिंदो असरंगा मस्ट पिक, मोहम्मद नबी मस्ट पिक, दसुन सनाका को हम अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंशियल पिक है मेरी वो भाई चमिका करुणरत्ना रहेगा, तो इसको मैं अपनी टीम में जरूर लेके चलूंगा। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे तो राशिद खान हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई यहां से जो एक और आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगा वो यहां से कहां पे गया भाई, एम पथिराना, ये भाई एम पथिराना, अगर भाई ये प्लेइंग 11 में होता है तो, और श्रीलंका अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो भाई आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेगा, जरूर से इसे अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। या फिर इसकी जगह पर एन थुसारा खेलता नजर आएगा, इसको आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बात करें एक अभी मैं फास्ट बॉलर लेके चल रहा हूँ यहाँ से नवीन उलक को, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए अगर यहाँ पर भाई पहले अफगानिस्तान की बॉलिंग आती है तो आपको सिंपली ऑलराउंडर सेक्शन में जाना है, यहाँ से करुणा रत्ने को ड्रॉप करना और फिर आप यहाँ से फैज़ल हक फारूकी
को अपनी टीम में ले सकते हो। अदरवाइज भाई अगर अफगानिस्तान सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो फिर आपको क्या करना, आप यहाँ से करुणारत्ने को ही ट्राई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, नीचे एम पथिराना तो अगर खेलेगा तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक भाई हमने यहाँ से दसुन सनाका को ले रखा है, तो ये भी डेथ में डाल सकते हैं आज। और यहाँ पर अगर बात करें तो और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फर्नांडो डेथ में डालता नजर आ सकता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शन है, बाकी लाइनअप आने के बाद भाई जो हमारी फाइनल टीम है वो बन पाएगी और वो टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब सीवीसी की जल्दी से बात करके वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पर पहले बात करें कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी भाई अभी के लिए मैं दूंगा यहाँ से राशिद खान को, वीसी रहेंगे भाई यहाँ से मेरे वानिंदु असरंगा। इसके अलावा भाई जो मोहम्मद रवि है ये भी सीवीसी के अच्छे दावेदार रहेंगे। जीएल की बात करें तो भाई आर गुरबाज को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। और अगर भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है ना यहाँ पर अफगानिस्तान की, तो भाई नवीन उलक आपके लिए कैप्टन वीसी का अच्छा दावेदार रहेगा। तो अभी के लिए जो टीम है वो मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी उसकी बात हम करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए आप इस टीम को सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बस दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।